हम तो एक हैं और सेफ हैं, लेकिन क्या वो सेफ हैं जो तिजोरी लेके आए थे? डिवाइड एंड रूल वो कर रहे हैं जो भारतीयों का हक घुसपैठियों को देने जा रहे हैं। डिवाइड एंड रूल वो करते हैं जो उलेमा से फतवा जारी कराते हैं। नकली गांधी का पर्सनल गेन कांग्रेस का सबसे बड़ा लॉस है। अब रुझान लगातार स्पष्ट दिख रहा है कि मायावती के फेवर में सरकार बनती दिख रही, क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, एनडीए, महायुति, ये हैट्रिक बनाने जा रही है। महाराष्ट्र भी जीत रहे हैं, झारखंड भी जीत रहे हैं और उत्तर प्रदेश में भी हमारी जीत होने जा रही है। ये साफ दर्शाता है किस तरह से जनता आशीर्वाद दे रही है। और ये कहना गलत नहीं होगा, हम तो एक हैं और सेफ हैं, लेकिन क्या वो सेफ हैं जो तिजोरी लेके आए थे, जो वोट जिहाद की बात कर रहे थे? और बहुत गर्व होता है जब देखते हैं कि जनता अपना आशीर्वाद देती है और बार बार देती है। और जैसा रुझान आ रहा है, एक हैट्रिक और लगेगी, तीसरी बार सबसे बड़ी पार्टी बनके महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी उभरने जा रही है। ये अपने आप में हमारे लिए गर्व की बात है। लेकिन आपको नहीं लगता बटेंगे तो कटेंगे का जो स्लोगन दिया गया उस पर लगातार यही कहा गया कि आप लोग डिवाइड एंड रूल वाली राजनीति कर रहे हैं और आप लोग जनता को बांटना चाहते हैं और इसी आधार पर इलेक्शन भी जीतना चाहते हैं? देखिए, डिवाइड एंड रूल वो कर रहे हैं जो भारतीयों का हक घुसपैठियों को देने जा रहे हैं। डिवाइड एंड रूल वो करते हैं जो उलेमा से फतवा जारी कराते हैं, वो करते हैं जो मौलानाओं को सामने लाते हैं। और अब बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि देश की जनता, महाराष्ट्र की जनता, झारखंड की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता एनडीए और भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी। एक और भी जगह है वायनाड, वहाँ की बात नहीं हो रही है? नहीं, वहाँ के लिए मैं इतना ही कहूँगा, नकली गांधी का पर्सनल गेन कांग्रेस का सबसे बड़ा लॉस है।